हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम मुशाहिद। हम कानले इलाके में जा रहे हैं, एक अंकल जल गए हैं तो हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी करिए, हम भी करेंगे, और आप अगर करोगे तो अल्लाह आपको खुश रखेगा। मैं मरियम मुशाहिद, आप तो जान गए होगे, मैं मुशाहिद पत्रकार की बेटी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुशाहिद खान और ये मेरी बेटी है मरियम मुशाहिद खान, और आज हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इलाके कांधला में। कांधला में एक ऐसा परिवार है जो बेहद ही ज़्यादा परेशान है। उसका जो घर के मुखिया है वो जल गए हैं, और बहुत बुरी तरह जल गए हैं। उनकी माली हालत भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, खाने को घर में कुछ नहीं है। उनकी बीवी ने, उनकी वाइफ ने हमें मैसेज किया था कि मुशाहिद भाई हमारी मदद कीजिए। कल हमें मैसेज किया था, आज हम जा रहे हैं कांधले में, और हमसे जो मदद होगी हम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपसे भी कहता हूँ ऐसे लोगों की मदद किया करो, क्योंकि ऐसे लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने बच्चों को अपने मतलब इसलिए क्योंकि खाने की प्रॉब्लम थी तो मामा को भेज दिया? हाँ जी, मरने वाला तो मैं था जी। जी जी। अरे मैं बैठ गया जी, मेरे ये हादसा हो गया जी। कुछ नहीं कहा जाता, देख के तो आ जाता मेरा बेटा, रहते चौको तो मैं मर जाती। बहुत परेशानी हो रही है। हाँ जी। जब परेशानी हो रही है तभी तो अल्लाह ने भेजा है। किसी ना किसी को तो भेजते है ना अल्लाह। हाँ, नहीं है बेटा। हैं? नहीं है बेटा। ये नहीं भेजता बताओ। हाँ, कोई सहारा तो बनता है ना अल्लाह ताला, जरिए तो बनाता है ना, किसी ना किसी का सहारा तो जरिए तो बनता है ना। उनके मामा के भेजे जी, जब कुछ खाने की पूर्ति नहीं हुई। इसके मामा ने भेजा, खाने पीने का थोड़ा घना रहा सामने। कुछ भेज रहे जी, कुछ भेज रहे जी, थोड़ा थोड़ा करके कर रहे जी काम को। तो अपने बच्चों को अपने मतलब इसलिए क्योंकि खाने की प्रॉब्लम थी तो मामा को भेज दिया? हाँ जी। मरने वाला तो मैं था जी। जी जी। अरे मैं बैठ गया जी, मेरे ये हादसा हो गया जी। तो वे बच्चों के लिए फिर उनके मामा के यहाँ भेजे उनको। बच्चों की याद नहीं आती? आती है जी बहुत। कैसे करे बताओ। आज हम ऐसा करके जाएंगे कि तुम अपने बच्चों को बुला लोगे, ठीक है ना? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है जी। नसीम। हाँ जी। तो कैसे हुआ था भाई यह हादसा आपके साथ में? याद से जी, कमरे में लेटा हुआ था जी मैं। और मेरे को एक आदत थी जी बीड़ी पीने की। बीड़ी पी के वो तिल्ली फेंकी जी मैंने। वो तिल्ली पता नहीं जी कपड़ों में लग गई, कैसे लगी, बस पीछे फेर रखा था जी ऐसे। और फिर जिस टाइम मेरे को अच्छी लगी तो मैंने अपने ऊपर से भी जोड़ रखे थे वो भी फेंक के, मेरे तो ऊपर तेल की वो केनी रखी हुई थी वो गिर गई नीचे और सारा को तेल हो गया जी बस। और मैं इनर पहन रखा था, वो इनर में आग लग गई, और लगने के बाद बस फिर मैंने तुरते फुरते दिखाया, कुंडी खोली जी, एक लेडीज आई उसने बेचारे ने मेरे को ऊपर पानी डाला जी। अगली साइड तो डालते पानी, पिछली साइड नहीं डाला, और पिछले से मैं जल गया। कितने महीने हो गया आपको जी? 9 तारीख की बात है जी, जनवरी की। तो खर्चा कैसे चलता है, मतलब पट्टी का, आपको ले जाने का? बस आप सवाल दे दो जी, थोड़ा बहुत इकट्ठे करके मांग तांग कर रहे हैं जी काम को। जी जी। हाँ जी। अभी मैं जनपद शामली में हूँ, उत्तर प्रदेश का एक इलाका है जनपद शामली, और उसका ये कस्बा है कांधला। कांधला वाके वैसे बहुत मशहूर है कांधला। कांधला में ये हमारे नसीम भाई हैं, इनको करीबन 2 से 2.5 महीने हो चुके हैं इनको, और ये बाहर काम करते थे, और आज इनकी हालत आपके सामने आप देख सकते हैं किस कंडीशन में ये इस वक्त हैं। और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि इन्होंने अपने जो बच्चे थे वो भी अपने ससुराल में भेज दिए, क्योंकि यहाँ पर तंगी थी, खाने की तंगी थी। ये अपना इलाज कराएँ, ये खाने का कराएं, इनके वालिद हैं वो भी बुज़ुर्ग हैं,
इनकी ये इनकी माँ है, मैं इनसे भी बात करूँगा। और सब हालात, एक कमरा है इनका, इस कमरे में पूरी ज़िंदगी है, और गाड़ी करके यहाँ से तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर ये जो इनका इलाज चल रहा है वहाँ जाते हैं हर चौथे या पांचवें दिन। गाड़ी का किराया हो पाता है आपके अम्मा? हाँ भाई, देना पड़े। तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, मतलब कितने? बस ये डॉक्टर तो कह रहे हैं अभी पट्टी चलती रहेगी, बहुत जख्म है ना, इसलिए बोल रहे हैं। तुम कह रहे अभी पट्टी चलती रहेगी, क्या पता कितनी पट्टी होगी, कितने, मतलब क्या उम्मीद है, मतलब एक महीना, दो महीना, तीन महीना? वैसे बस है थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज्यादा जब जले हुए हैं, बस थोड़ा सा फर्क आया, बस अभी बोलना लगे, मतलब जब बोलने नहीं जा रहा था, जब ज्यादा जल रहे थे जी। अच्छा, बोलते भी नहीं थे? हाँ, आवाज नहीं निकल रहे गले से। जी जी, ये वालिद है, इस हमारे नसीम भाई के वालिद हैं। और जब इनका किसी जवान बच्चा इनके सामने इस कंडीशन में होगा तो दिल तो भर के आएगा। बाबू जी देखो, इज्जत जिल्लत शोहरत सब चीज़ देने वाला अल्लाह है, ठीक है ना? सही बात है। तो जिस अल्लाह ने इस मेरे भाई को इस कंडीशन में रखा है तो वही अल्लाह ठीक करेगा। तो आप भी नहीं, अब काम, आप भी नहीं काम पे जा रहे? नहीं जी, कुछ नहीं। एक मिनट तो छोड़ दें जी, एक मिनट तो टाटन जाते इसके दौरान भाई के। तो पंखा क्यों नहीं आपने, भला कोई इनके ऊपर एक जाल आता है, वो क्यों नहीं लगाया आपने? कहाँ से लाए उनके उनके लिए पैसे जाल के लिए जी? कितने का आता है वो जी, हमें पता ही नहीं। जब एक वो पूरा कवर्ड करने के लिए एक जाल आता है, तो वो चलो हम दिलाएंगे इंशाल्लाह। बेटा तो टूटा बिखाना पड़ा है, पर माँ की वजड़ी से तड़ कुछ नहीं कहा जाता, देख के रह जाता मेरा बेटा, रहता चौको तो मैं मर जाती, मेरा तो खो जाता मेरा बेटा। अम्मा, मेरा बेटा मौत की तमन्ना करना भी गलत है। मेरा बेटा को भाग तो लगा देता, अरे अब कहाँ तो लगाऊँ मैं अपने बेटे में। चुप हो जा, देख इसका जोर बड़ा है। देखो आपने उस भाई को भी रुला दिया आपने। आप अल्लाह पे यकीन है या नहीं है ये बताओ? हाँ बेटे, अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह बस तो छोड़ दो आज से बाद में, अल्लाह पे यकीन है। अल्लाह पे तो मेरी बहन, आज के बाद में अब मेरे बेटे को देखो, आज के बाद में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। नहीं है बेटे, ठीक है, ठीक है ना? इंशाल्लाह इतनी अल्लाह मदद भेज देगा आपके पास में, और मैं भी आपकी मदद करूंगा कि आपके आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि आप किसी के सामने हाथ फैलाएं। जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा फिर आप लोगों की मदद करें, ठीक है ना? जिस तरह से आपकी लोग मदद करेंगे, या हम आपकी कुछ भी देंगे आपको, अगर आप ठीक हो जाओगे तो फिर लोगों की मदद आप करो। अल्लाह आपको इतना दे कि आप देने वाले बनो, जरूर आप लेने वाले ना बनो। आत्मा दे मामा, क्या मुंडा लगाया करात करनी। जी जी जी, अल्लाह। कैश कितना आपके पास में अभी? जी कुछ नहीं है, बस ये सबको बोला तो जो जितने जो कोई देता है जी, 1000 वैसे कितने पट्टी करवा ला। कहाँ? वही जहाँ से पट्टी होती है। तो पट्टी वाला कितने पैसे लेता है? वो तो जी 500 रुपए लेता है। सफदरजंग अस्पताल है, एम्स हॉस्पिटल है, इतने अच्छे अच्छे इतने अच्छे अस्पताल हैं जी। जहाँ पे देखा जा रहे हैं वहाँ भी इसीलिए बोल रहे हैं, सभी नु कह रहे ठीक हो जाएगा, इनसी अंत इलाज ना तोड़ना जी। ये बेटी थी मेरी, आई थी मिलने के लिए आपसे, कह रही थी मैं अंकल से मिलने के लिए जाऊंगी। देखिए जिस तरह से मैं आया हूँ तो मैं भी मदद करूंगा इंशाल्लाह, आपकी मदद कराऊंगा भी। अल्लाह बहुत बड़ा है। हाँ। अल्लाह किसी को तो भेजता है ना जरिया, अल्लाह खुद तो आएगा नहीं ना मदद करने के लिए, अल्लाह जरिया बनाता है, ठीक है ना? वो जानवर से ले ले, हिंदू से ले ले मदद, मुसलमान से ले ले, तो मेरे लिए तो खुशी की बात है कि मैं किसी के काम आ रहा हूँ। आप अपने बच्चों को बुलाओ, आपके बच्चे यहाँ रहेंगे और कोई भी परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है ना? चलिए इंशाल्लाह, मैं मुझसे जो मदद होगी, मेरी जात से जो मदद होगी इंशाल्लाह मैं मदद करूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं और भी लोगों से कह के इनकी मदद कराऊँ, क्योंकि जितनी ज़िम्मेदारी मेरी है इतनी ज़िम्मेदारी यहाँ के लोगों की है, ठीक है ना? जब ये वीडियो चलेगी तो यहाँ के लोग भी आपसे मिलने के लिए आएंगे, कांदले के लोग भी आएंगे, क्योंकि पड़ोस पड़ोस में नहीं पता किसको क्या हो रहा है। बहन ये 20,000 रुपये हैं, ठीक है ना? इस 20,000 से
तुम्हारा छोटा भाई समझ लो, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, ठीक है ना। इस 20,000 से उम्मीद है आपका बहुत सहारा लगेगा, ठीक है ना। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर मैं अकेला 20,000 दे सकता हूँ तो आपके अगर आसपास के लोग अगर 1,000 भी दे दें तब भी बहुत बड़ी वो हो जाएगी। अगर हमारे पास में कोई और मदद आती है आपके लिए तो इंशाल्लाह हम पहुँचाएंगे आपको, ठीक है ना। अभी हमने कुछ मदद इकट्ठी करके आपको ये हम आपको दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारे जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, हमने उनसे रखा आपके सामने कि भाई हमारा एक भाई है, उनको इससे ज़रूरत है, तो किसी ने 2,000 रुपये दिए, किसी ने 1,000 रुपये दिया, तो इस तरह से हमारे पास में 20,000 रुपये इकट्ठे हुए थे आपके लिए, तो हमने वो आपको ला के दे दिए, ठीक है ना। चलो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मदद होगी। अब मैं अपील करता हूँ शामली के लोगों से और कांधला के लोगों से, मैं अपील करता हूँ कि अगर आप कांधला में रहते हैं तो नई बस्ती में है ये पूरा एड्रेस, क्या साहब ये जी नई बस्ती बड़ा बिजली घर नई बस्ती बड़ा बिजली घर रामलीला ग्राउंड के पीछे ये नई बस्ती है। तो कोई भी आएंगे ये बता देंगे। साहब आपका नाम क्या है बाबा? इब्राहिम है जी। इब्राहिम जी। तो ये इब्राहिम है इनके लड़के, आपका इनका नाम क्या? नसीम। इब्राहिम के बेटे हैं नसीम ये। तो आप आइए अगर आप कांधले में रहते हैं या फिर कांधले के आसपास रहते हैं, जैसे मुझे फ़ोन करते हैं बहुत से लोग के मुशाहिद भाई हम किराने से हैं, तो आप मुझे फ़ोन ना करके इनको देखिए जिस तरह से हमने इतनी दूर से आके इनको 20,000 की मदद की है। अगर आप भी आके 500 से 1,000 से इनकी मदद करेंगे तो इंशाल्लाह इनके पास में 150,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे और उस 150,000 से ये अपने बेटे का, अपनी ये बहन, अपने शोहर का इलाज करा सकते हैं। तो मदद कीजिए, अपना जो जायज़ कमाई है वो ऐसे लोगों पे खर्च कीजिए, क्योंकि कमाई कभी भी साथ लेके कोई नहीं जाएगा, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। तो एक दिन हिसाब भी होगा आपसे भी और मुझसे भी हिसाब होगा कि मुशाहिद मैंने तुम्हें दौलत दी थी वो दौलत आपने कहाँ खर्च की। आपसे भी हिसाब होगा, उस दौलत का सही से हमें हिसाब भी देना होगा। तो ऐसे लोगों पर खर्च कीजिए जो लोग आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। आइए सपोर्ट कीजिए और यूँ ही प्यार बांटते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।